रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक होते हैं, तो एक मुखी का दर्शन अलग है, लाभ अलग है, 14 मुखी का अलग है। हर रुद्राक्ष का अपना अलग 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 महत्व होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है और वो चाहता है कि मेरे को शिव स्वरूप जीवन मिल जाए, और उसने अगर अपने जीवन में एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, लेकिन अगर उससे ब्रह्महत्या जैसा पाप हो गया हो, तो ऐसी पाप को नष्ट करने के लिए वो एक मुखी रुद्राक्ष की धारण कर सकता है। इससे उसे मोक्ष भी मिलता है, शिव रूप भी मिलता है और भिन्न भिन्न भोग प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करनी हो, और अगर किसी व्यक्ति से गौ हत्या जैसा पाप हो गया हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे, 2 मुखी रुद्राक्ष को। सारी विद्याएं और समाज में प्रतिष्ठा, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, प्रतिष्ठा आदि कोई चाहता है, तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे, उसको लाभ होगा। ब्रह्महत्या जैसा पाप किसी से हो गया हो और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, तो उसे 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। शुद्धिकरण, जिसके जीवन में जिसने पाप का भोजन खा लिया हो, गलत व्यक्ति के खा लिया हो, गलत व्यक्ति के यहां भोजन कर लिया हो, अब उसको अपने आप को शुद्ध करना है, तो ऐसा व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। 5 मुखी वाला रुद्राक्ष धारण कर सकता है। कार्तिकेय जैसे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और ब्रह्महत्या से बचने के लिए व्यक्ति 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, दरिद्रता का नाश हो, पवित्र ऐश्वर्य की प्राप्ति और दरिद्रता का नाश अगर जीवन में आप चाहते हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण आप कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप चाहते हैं कि अकाल मृत्यु जीवन में ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, क्योंकि अकाल मृत्यु बड़ी खतरनाक होती है साहब, वो आपकी यात्राओं को रोक देती है और घर के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी बना के ही रखती है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि जीवन पूरा पूरा हो जाए हमारा, जैसे आंधी आती है तो छोटे छोटे फल भी आंधी से गिर पड़ते हैं, पके हुए भी नहीं होते। एक फल होता है जो पूरी डगाल पे तब तक रहता है जब पक जाता है, फिर टूटता है, मतलब पूरे पक कर टूटे हैं, पूरा अपना बुढ़ापा आदि इत्यादि जिए। तो उसके लिए दर्शन है महाराज कि आप जो हैं 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, 8 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, अकाल मृत्यु नहीं होगी कभी उसकी। हाँ जी, अगर कोई चाहता है कि देवी कृपा मिल जाए, शक्तियां मिल जाए, आजकल लोग चाहते हैं चमत्कार हो जाए, आप चाहते हैं कि इस विधा में आप बढ़े, आप कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर लें, देवीय कृपा को प्राप्त कर लें, तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। ये आपको इन चीजों में जोड़ देगा और आपको दिव्य कृपाएं, ताकत, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण कामना और भगवान विष्णु जैसा सुंदर स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रुद्र स्वरूप सर्वत्र विजयी होना चाहते हैं, कोई आपको हरा ना सके, आप निरंतर निरंतर अपनी यात्रा पूरी करते रहें, ऐसे में आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। अगर आप चाहते हैं कि 12 आदित्यों की तरह आपका तेज बढ़ जाए, आप में तेज हो, आप दिव्यता से भर जाएं, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए, आपको सौभाग्य मंगल हो जाए और आपके लिए सब सहज हो जाए, सब आपके लिए उपलब्ध हो जाए,
तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहा गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान दीजिएगा। अन्य दर्शन में समस्त पापों से नाश हेतु और जीवन के कल्याण के लिए अगर आप कामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसमें परम शिव भक्त स्वरूप का दर्शन होता है। जो परम शिव का भक्त होना चाहता है तो उस भक्ति के लिए सबसे सरल और सबसे सुंदर साधन है कि आपको 14 मुखी रुद्राक्ष